बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब निसंदेह सृजन काल से ही, सृष्टि के आदि से ही मनुष्य परमात्म तत्व की खोज कर रहा है। जल परमा ने माछली पर परमा ने बुद्ध शुद्ध जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। इस तरह मनुष्य ने अपनी कल्पना अपने विचारों से न जाने कितने परमात्माओं का सृजन किया। इसलिए नाना मत मतांतरों का उद्गम हुआ। आज भी आप देखते हैं हर धर्म में विविधताएं हैं और भेद भी हैं। कुछ धर्म आपस में भी लड़ लेते हैं। ये एक ही धर्म नहीं है, ये विविधता करीब करीब सब धर्मों में है। जिसने जिस रूप से परमात्मा की स्थिति परमात्मा को स्थापित किया जिस भावना से, वो कह रहा है वही सत्य है। अगर आप तर्क देकर के कुछ आगे की बात बोलेंगे तो आपको एक बहुत सटीक उत्तर मिलेगा, एक रटा हुआ जवाब मिलेगा। बोलेंगे भाई एक ही बात है, किसी सरफरे ने एक शब्द कह दिया, रास्ते अलग अलग है ठिकाना तो एक है। वाह, वो कह रहा है रास्ते अलग अलग है ठिकाना तो एक है। अरे भाई कैसे ठिकाना एक है? जो शिवो भक्ति करेगा शिवलोक को जाएगा, वो उसका ठिकाना शिवलोक होगा। जो शक्ति की उपासना करेगा शक्ति लोक में जाएगा, अलग अलग है। मैं बोलता हूं ठिकाने अलग अलग हैं, रास्ता तो एक है। शायद आपका आपको मेरा ये वाक्य इसमें आपको थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो और प्रतिद्वंद्वता का आभास हो, पर सच है किसी भी इष्ट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ध्यान। रास्ता तो ध्यान है। इसलिए मैं कह रहा हूं ठिकाने अलग अलग हैं, रास्ता तो एक है। यहां एक बड़ा सटीक शब्द आया, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। मेरे पास विविध तरह के लोग आते हैं, विविध तरह की बातें करते हैं, कुछ बड़े अजीब अपेक्षा करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, तुम कुछ मुझसे लेने आए हो या मुझे देने आए हो? अगर देने आए हो तो फिर अपनी थोड़ी उपलब्धि भी बता दो ना। ना ना उन्हें लेना होता है ना देना होता है। 1 करोड़ रुपए का महल बनाइएगा, कुछ आलोचक होते हैं, आलोचना यथार्थ हो तो ठीक है, लेकिन निरर्थक आलोचना करना एक बेवकूफी है। तर्कहीन बात करना बेवकूफी है, तर्क युक्त तो बात करो ना। तो कई चीजों को समझाने के लिए भौतिक उदाहरण देने पड़ जाते हैं। रामायण तो एक ही श्लोक में समाप्त हो जाती है, आदि राम दशरथ का जन्मम आदि में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को 24,500 कुछ साखियां बोलनी पड़ी। इतना बड़ा झमेला क्यों बोलना पड़ा? एक उस तत्व को समझाने के लिए बोलना पड़ा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, आप रामायण को देखें, रामायण कुछ लोग कह रहे हैं रामायण एक
धार्मिक ग्रंथ है। कुछ क्या कहते हैं, रामायण एक पद्धति सिखाता है जीवन की। कुछ लोग कहते हैं रामायण एक पारिवारिक शास्त्र है जिसमें किससे कैसा व्यवहार किया जाए है। समग्र रूप से रामायण को जाने, रामायण को रस, ये तो है संतन को सर्वस। गोस्वामी जी ने बड़ी बारीकी से उस तत्व का उसमें वर्णन किया है। बस वो उदाहरण इसलिए दिया है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को पहले प्ले स्कूल में भेज देते हैं, वहां खेल खेल में सब चीज समझता है, क्योंकि अभी उसकी उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए खेल से प्ले वे में वो सब सीख लेता है। इसी तरह नाना मत मतांतरों का सृजन और विविध प्रकार से उसकी व्याख्या की गई। पर स्पष्ट तो एक बात है ना, वो तो अनिर्वचनीय है, परम सत्ता अकह है, अनिय है, आदि शब्दों से अलंकृत भी किया गया है। पर उसके लिए फिर बोला भी है, जब वो अकह है तो उसके लिए क्या कहें। कबीर साहब ने तो बड़े सुंदर अलंकार में एक बात कही, युग अनंत जाय सराई, कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण जाई। जब धर्मराज जी ने साहेब से एक सवाल पूछा, परम पुरुष कैसा है, साहेब ने बड़े सुंदर अलंकार से उसका उसकी व्याख्या दी। कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाई। साहेब क्या कह रहे, कोटि कल्प, एक कल्प नहीं, कोटि कल्प युग जाय सराई, सराई ने का मतलब खत्म हो जाए, अवधि भाषा है, मुख अनंत से वर्ण न जाई। लेकिन तो भी वर्णन क्यों किया, तो भी सबने उसका कुछ ना कुछ व्याख्या तो बोली, ताकि हम उसके अस्तित्व को अभिव्यक्त कर पाए। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी किसी पार्टी का था, बहुत लंबा वर्कर था, विशिष्ट स्थान पर था, और उसने वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को अपनाया। मैंने उनसे एक बात कही, मैं आलोचना नहीं कहता हूं करता हूं, वाणी ऐसी बोलिए दिल का आप आखोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। मैंने कहा भाई नेताजी, आप बड़े लंबे टाइम से हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, आप बहुत लंबे टाइम से एक पार्टी से जुड़े थे, एकाएक आपने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन किया, आपके डीएनए में तो वो पार्टी है, बच्चेपन से उसकी सोच, उसकी व्याख्या, उसका विवरण, उसका प्रचार, उस पथ पर आप चल रहे थे। प्रश्न मेरा सार्थक था, निरर्थक नहीं था, जवाब एक स्थाई मिल जाता है कि अब वो पार्टी अपने पथ से भटक गई है। ठीक है ठीक है, हम मान रहे, होता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ये मस्तिष्क एक धोखा है, जब ये बात मैं बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, आप कहेंगे बुद्धिमान होना चाहिए, लोग कह रहे हैं बुद्धिमान होना चाहिए, आप उल्टा बोल रहे हैं कि मस्तिष्क तो एक फ्रॉड है। हाँ, इसकी वजह है, इसकी एक रवायत है, ये केवल शरीर के लिए सोचता है, इसको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक जगत की सोचता है, कान सिर्फ सुन सकते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सुन सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। मस्तिष्क केवल भौतिक पदार्थों के लिए ही चिंतन कर सकता है, इसलिए उस परमात्म अस्तित्व को मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे कहा है,
वर्णातीत का है, शब्दातीत का है, व्योमातीत का है, तो फिर इसका प्रमाण मैं कई बार दे चुका हूं। जब वासुदेव कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन ने जब एक वाक्य कहा सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा का वास है, अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हे जनार्दन वो हमें फिर दिखाई क्यों नहीं देता है जब हम में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साई या मूर्ख जानत ना है। कहा है अर्जुन वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है। अब आप सोचे ये एक फ्रॉड है, ये शरीर भी एक फ्रॉड है। साहब साहब कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, आप चौंकेंगे। कहीं कहीं तो शरीर की इतनी महत्ता बोली गई है, कहीं कहीं इसे विष की बेल किया है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। गोस्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं ना, पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इसमें कष्ट साचो नहीं, नानक साची मान। यही बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, छिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। लेकिन दूसरे पक्ष में फिर क्या बोल रहे हैं साहब, धन भाग जगी रे, मानस देह मिली रे मिली। गोस्वामी जी शरीर के कमजोर पक्ष की तरफ इशारा करके आगे क्या बोल रहे हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जय न पाए परलोक सवारा। उस तरफ इसकी व्याख्या ऐसी कर रहे हैं कि ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, तो आपको एक भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। आप कहेंगे भाई एक तरफ तो कह रहे हैं ये तन अधम है, छिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। यहां दोनों पहलुओं को सोच रहे हैं। आप आलोचना करने से पहले तैयार हो जाओ, पहले पूरी तरह से वस्तु का, दोनों वस्तु के दोनों पक्षों पर चिंतन कीजिए। हेल्दी डिबेट्स वो होती है, आप कई डिबेट्स देख रहे हैं, ये नूरा कुश्ती की तरह है। ऐसी डिबेट्स ना हो, हेल्दी डिबेट्स हो। और साहब ने बहुत डिबेट्स की है कि उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। हर एक बात के बाद कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, हर बात के पीछे सुनो भाई साधो, हर दोहे के एंड में कह रहे हैं सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है इस पर चिंतन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब ने उलझुल बातें नहीं की है, बहुत हेल्दी डिबेट किया है और सतर्क किया। अब आप देखें, पहला पक्ष ये है गोस्वामी जी का, क्योंकि शरीर की वृत्तियां बहुत खराब है, ये सब इंद्रियां जितना अपराध मनुष्य कर रहा है कोई पशु नहीं कर रहा है। आप ध्यान देना इस प्रकृति को, इस विश्व को, किसी भी जानवर से कोई भी खतरा नहीं है। अगर इस ब्रह्मा संसार को सबसे बड़ा खतरा है वो मनुष्य से है। कुछ जीव वैज्ञानिकों ने एक लिस्ट निकाली 10 खतरनाक संसार के प्राणियों की, मैंने उसकी आलोचना की। आलोचना तर्कयुक्त हो, निरर्थक और मूर्खतामय न हो। उसमें जी मच्छर को सबसे डेंजर बोला गया, 50 लाख लोगों को विश्व के अंदर ये मलेरिया से मच्छर हर साल मारता है, मगरमच्छ उसमें उल्लेख आया, शेर का उल्लेख आया, सांप का उल्लेख आया, हाथी का उल्लेख आया, घड़ियाल का उल्लेख आया, एंड में मेंढक का उल्लेख आया। मैंने कहा बेवकूफो, तुम्हारा विश्लेषण सही नहीं है। तर्क रखा मैंने ये तर्क रखा, दुनिया का सबसे डेंजर प्राणी तो आपने छोड़ दिया, वो है मनुष्य, जो एट ए टाइम लाखों आदमियों को मार सकता है। हिटलर ने गैस चैम्बर में 3 लाख कुछ हजार यहूदियों को मार दिया था, वो नाजी था वो। और दक्षिण अफ्रीका में एक जातीय धार्मिक विवाद उठा था जिसमें लाखों लोगों को काट करके एक झील में फेंक दिया गया था। ऐसा कोई शेर नहीं किया है, ऐसा कोई अजगर नहीं किया है, ऐसा कोई सांप नहीं किया है,
ऐसा कोई और जीव ने किया है। सबसे डेंजर इस सृष्टि का अगर कोई प्राणी है तो मनुष्य है। मैंने तर्क रखा, भाई आप तर्कयुक्त बात करो ना, नहीं तो साहब का वो शब्द है, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहाँ बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। फिर एक शब्द कह रहे हैं, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, हाँ ज्ञानियों में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता हूं मैं ज्ञानी हूं, मूर्खों का दास, हाँ मूर्खों का दास, जहां चल रहे लट्ठी वट्ठी वहां छोलू घास। बोला जहां पर दबंग लोग आते हैं वहां मैं तो कहता हूं मैं घसिया रहा हूं, घास छीलने वाला हूं। अब यहां कुतर्क नहीं है, मूर्ख का मुख बम है, मूर्ख का मुख बम है, बोलत वचन कुजंग भुजंग, हाँ मूर्ख का मुख बम है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब यहां शायद करे उसकी युक्ति चुप है, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊंगा, अगर इस समय इस धरती को सबसे बड़ा खतरा है इंसान से, और सृष्टि का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, जीव वैज्ञानिकों ने शोध अपनी बुद्धि से किया, उत्तम नहीं था, तर्कयुक्त नहीं था, क्योंकि उसने उस प्राणी को छोड़ दिया जो दुनिया का सबसे खतरनाक है। मैं तो सिद्ध करूंगा, मैंने अभी कहा कोई मगरमच्छ हजारों और लाखों आदमी को नहीं खाया होगा, कोई सांप एक साथ लाखों लोगों को नहीं मार पाया होगा, कोई शेर भी नहीं मार पाया होगा, ये एक ही टाइम पर लाखों लोगों को मार सकता है, ये ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकता है, ये इतना खतरनाक प्राणी है मनुष्य। अगर ये ठीक चले तो देवता भी इसके आगे नतमस्तक है, अगर ये नियमाविरुद्ध चले तो इसके आगे बड़े बड़े राक्षस भी फैल हो जाते हैं। तो बंधु इस समय इस पूरे विश्व को अगर सबसे बड़ा खतरा है इंसान का, ग्रीन गैसेस ये पैदा कर रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर आपने देखा होगा, एक गर्म चश्मा जो कैनेडा में है उसके द्वारा पूरा वहाँ का पेप्सिक्सी प्रशांत सागर आगे आदि ये प्रभावित हो रहे हैं, और धरती गर्म हो रही है। वैज्ञानिक लोग पहले से सतर्क कर रहे हैं कि इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, जब 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो 2.6 मीटर बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का पानी 2.6 मीटर बढ़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.11 फीट यानी 89 सेंटीमीटर का एक गज है। सीधी बात हुई 6, 6.5, 9, 9-10 फीट पानी बढ़ जाएगा। मैंने देखा मुंबई एयरपोर्ट समुद्र की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा नहीं है, मैं न्यूयॉर्क में गया वो तो 4 फीट सिर्फ ऊपर है समुद्र की सतह से, ये डूब जाएंगे सब शहर, करीब 50 शहर विश्व के डूब जाएंगे। ये कौन डुबा रहा है, शेर डुबा रहा है, मगरमच्छ डुबा रहा है, हाथी डुबा रहा है, या मच्छर डुबा रहा है, मनुष्य डुबा रहा है। इसलिए मानव तेरा गुण बड़ा शाम ना आवत काम, आइए देखते हैं। तो ये विविध मान्यताओं से फिर कितना टकराव होता है, धार्मिक अंधता के कारण जितना विश्व में क्षति हुई है इतनी किसी चीज से नहीं हुई है। आप इतिहास उठाकर देखना, ये अंधविश्वास युक्त धार्मिक मान्यताओं के कारण, कुंठित मान्यताओं के कारण मनुष्य ने कितना विध्वंस मचाया, बहुत विध्वंस मचाया। आज भी इन कुंठित धार्मिक मान्यताओं के कारण एक समुदाय दूसरे समुदाय को खत्म करने पर तुला हुआ है, और हवाला दिया जाता है कि हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा है, नहीं सिखाता है ये कुछ भी। इसकी व्याख्या लोगों ने अपने अपने तरीके से की है, अपने अपने हितों के अनुसार किए हैं। इसलिए यहां ब्रह्मानंद जी का शब्द बड़ा सटीक है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे,
सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। वाह, गुरु सबका सार बताता है। अब ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या हम पर पड़ रहा है? वैज्ञानिकों की चेतावनी बड़ी सटीक और बड़ी सही है। आप देखें, जब तापमान बढ़ता है गर्मी में आदमी व्याकुल और परेशान हो जाता है। उस गर्मी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बढ़ता ही पड़ता है। मुझे याद है 6 ऋतु यहां बहुत पूरे तरीके से होती थी। मैंने इस 18 अप्रैल को अपना 72वां जन्मदिन मनाया, तो कुछ हम 72 साल की बहुत बड़ी उम्र नहीं है, पर औसत आयु तो 58 साल है। इस हिसाब से तो मैं अपनी औसत आयु से 14 साल आगे जी रहा हूँ। तो उस समय देखा ऋतुएं टॉप होती थी, बरसात बरसात के तौर पर होती थी, सर्दी सर्दी के तौर पर होती थी, गर्मी गर्मी के तौर पर होती थी, सभी ऋतुएं बसंत बसंत के तौर पर, ऋतुएं ही गड़बड़ा गई। असर पड़ा वो अभी से ही दिख रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं मानव जाति खत्म हो जाएगी। सतर्क रहो, बार बार कह रहे हैं सतर्क रहो, सावधान रहो, प्रदूषण नहीं फैलाओ और ग्रीन गैसेस खत्म करो। आप देखो इसका इफेक्ट हुआ। लोग करीब 10 में से 2-3 आदमी अवसाद में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। और जितने मिसकैरेज केसेस अभी हैं, कभी भी नहीं थे। नारी की जन्य शक्ति पर असर पड़ रहा है। पुरुष में रबुन संकता की स्थिति बढ़ती जा रही है। जब ये सब चीजें बढ़ेगी तो मानव जाति का तो विनाश ही हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक लोग प्रदूषण पर बार बार ये बात कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रदूषण नहीं फैलाएं। तो आइए, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई प्रदूषण विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो चीज़ें वैज्ञानिक लोग परिशोध करके बोल रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुना। इस तरह से नाना पंथों का सृजन क्यों हुआ? यहाँ साहब ने बड़ा कटाक्ष किया है, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये बरमाया। लोगों ने अपने अपने तरीके से ईश्वर की स्थापना की हुई है। चलो ये तो नाना मत मतांतर हैं, आखिर वो सब धर्म कहां पहुंचे हैं? मैं एक बात कहता हूं, सब मिलाकर ये सब धर्म निराकार तक पहुंचे हैं। मैं पूछ रहा हूं दुनिया के सभी धर्म निराकार तक कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे हैं? सबकी ये मान्यता है, दुनिया का सबसे अगर प्राचीनतम ग्रंथ है वेदाज है। भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? मैंने बहुत लोगों को पूछा है। ईश्वर का बोध संसार को पहले भारत ने दिया है और भारत प्राचीनतम देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में भारत स्थित है, इसलिए भारत में सभी ऋतुएं होती हैं। पहले आदि मानव भारत में ही आया, चाइना में कोई भी नहीं था, ठंड थी और साइबेरिया क्षेत्र में कौन बर्फ में रहता था, संसाधन नहीं थे। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप 400 साल पीछे जाओ सिर्फ, पुर्तगाल को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, आगे पैसिफिक सी के उस तरफ विशाल था, 8,000 किलोमीटर दूरी है ब्रिटेन से, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक की 8,000 किलोमीटर तक जाने की किसी की कुवत नहीं थी, पूरा वर्ल्ड बस वहीं तक था। पुर्तगाल को एंड ऑफ वर्ल्ड कहते थे। ये तो 400 साल पुरानी बात कह रहा हूं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ। कोलंबस ने बड़ा उत्साह करके वो पहले पहुंचा है अमेरिका, वहां मनुष्य नहीं था, 10-12 कुछ आदिवासी लोग थे, कोई मनुष्य नहीं था। अभी भी दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा समुदाय है जो मानव जो ये आधुनिक मनुष्य हैं इनसे नफरत करता है, जंगल में रहते हैं, वो अपने कुड़मे का अस्तित्व स्थापित करना करके रखना चाहते हैं। तो भारत का ही आदमी सब जगह फैला और आदि ग्रंथ वेदा है, वेदा एंड में जाकर के निराकार तक पहुंचा। ये संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया। बाद में लोगों ने इसमें अमेंडमेंट करके अपने अपने तरीके से बातें फैलाई है। सीधी बात है, जब
वेदास सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वो परमात्मा को निराकार कह रहे हैं। अच्छा, वो आखिर परमात्मा तक आदमी निराकार तक कैसे पहुंचा? वो शून्य तक मनुष्य पहुंचा, सुन रूपी निरंजन है, तो वहां उन्होंने ऊर्जा का अनुभव किया, कहा बस यही परमात्मा है। यही बात फिर ईसाई भी तो कह रहे हैं, ईसा मसीह साहब कह रहा है मेरा बेचूना खुदा। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा मैं परमात्मा, वो कह रहा है मैं उसका इकलौता पुत्र हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा बेचूना खुदा, वो अपने को खुदा नहीं बोले, वो कहे भाई मैं उसका मैसेंजर हूं, पैगंबर हूं। वेद भी यही कह रहे हैं। एक धारणा तो बनी, जब विश्व समुदाय की एक धारणा बनी है, दो धारणाएं हैं। वैसे तो मान्यताएं कुछ अलग भी है, और ये अलग मान्यताएं भी वेदों के कारण हुई। वेदों की निंदा थोड़ी कर रहा, आज वेद जाने नहीं, सॉरी, चार वेद हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। चारों वेद बड़ा कंट्रडिक्शन है। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार है, अकर्ता है प्रभु, वो निर्द्वंद है। यजुर् कह रहे हैं निराकार मीन्स कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं सर्वगुण ब्रह्म है, 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसलिए ये नित्य है। तो कुछ लोग उधर लग गए, कुछ निराकार की उपासना कर रहे हैं। साम कह रहे हैं न सर्वगुण न निर्गुण, आत्मा ही सब कुछ है, साम वेद का उल्लेख है। तीनों वेद के मंथन से ही चौथा वेद बना अथर्व वेद, वो क्या कह रहा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है। ये चार मान्यताएं आज भी हमारे देश में हैं। कुछ लोग आत्मा सुपरमात्मा बोल रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा को निर्गुण बोल रहे हैं, कुछ परमात्मा को कह रहे हैं नहीं सर्वगुण है, कुछ कह रहे हैं भाई कोई परमात्मा नहीं, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है। आप देखा ना, ये हमें विरासत में मिली। अब यहां एक प्रश्न उठा, जब विश्व समुदाय एक पॉइंट पर है ईश्वर तत्व पर कि परमात्मा निराकार, फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा अहंकार का है, हर एक अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं निंदक नहीं हूं, बड़े बड़े पंथों से न जाने कितने पंथ निकले हैं, उनके लोग विद्रोह करके पंथ निकाले। अब यहां सवाल ये आया, उनको गद्दी नहीं मिली, जब गद्दी नहीं मिली तो उन्होंने पंथ अलग निकाला। अब मेरा सवाल ये है, उनके डीएनए में तो उस पंथ का ही सब चीज था, वो अलग क्या बोलेंगे, बस उसको घुमा फिरा करके बोलेंगे, मटेरियल तो वही है उनके पास, उनके जीएन में, उनके ब्रेन में, उनके अंताकरण में वही है। अब वो कई आदमी, मैं उन पंथों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे कई पंथ निकले हैं, और ऐसे ऐसे लोग वहां निकले जो वहां 50-50 साल से थे, कई लंबे टाइम से वहां पर वो थे, जब उन्होंने देखा बारी नहीं आने वाली है। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया, पहला चुनाव हुआ भारत में, तीन ही, पहले तो मिलीजुली सरकार बनी थी, डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, पहली सरकार तो मिलीजुली बनी थी, फिर इलेक्शन हुए। पहले इलेक्शन में तीन पार्टियां थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट, तीन पार्टी थी सिर्फ, इनमें से किसी भी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, सिर्फ कांग्रेस को, क्योंकि एक लहर थी स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर, गांधी जी आदि इन्होंने काम किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि। मैं राजनीति में किसी भी कोण से नहीं हूं, राजनीति से परहेज करता हूं। राजनीति में जुड़े कई महात्मा जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, खैर मैं उनकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, आज तक मैंने किसी को फरमान नहीं दिया है उस पार्टी को वोट दो, ये अपराध है। मताधिकार का क्या मत है, मत कहते हैं बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार तुम चुनो, तो उसमें हस्तक्षेप कैसा है? एक धर्मगुरु कैसे ही अनाउंस करे कि तुम जाकर के इसको वोट दो,
मैंने अपनी स्टेज पर भी किसी राजनेता को आते हैं मेरे यहाँ वेलकम करता हूँ, संदेश देना मैंने मंजूर नहीं किया। बड़े बड़े कुछ लीडर आए, कहा हम बात करना, मैं बोला नहीं, क्षमा चाहता हूँ, आप यहाँ आए आपको लाभ मिलेगा, लोग देखेंगे, पर यहाँ से मैं राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहूँगा। फिर मेरा ये संप्रदाय, और इसमें पहले लिख कर देते हैं कि हम राजनीति में नहीं है, व्यावसायिक भी नहीं है। तो वो अब जो इतने लंबे टाइम से वहाँ थे, उनकी विचारधारा क्या होगी, उनके अंदर तो वही चीज़ भरी हुई है ना, उसको मॉडिफाइड करके रूपांतरित करके वो बोलेंगे। इस तरह इस पूरे समुदाय ने परमात्मा के अस्तित्व को निराकार रूप में स्वीकार किया है। यहीं तक था। अब यहां साहब एक बड़ा सटीक शब्द करे, बड़ा सटीक है, ब्रह्मादि। हाँ, ब्रह्मादि, ब्रह्मादि, विष्णु शिवादि, काल के गुण गा वही, जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए ना। यानी सब वहां तक की बात बोल रहे हैं। कबीर साहब ने चौंका दिया, उसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। क्या कह रहे हैं, जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। आगे भेद हैं। यहां साहब कह रहे हैं जाय निरंजन माय समावे, आगे आगे का कोई भेद न पाए, इसके आगे भेद हमारा। यहां पुनः मुझे आज एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आप जितने भी धर्म संस्थापक हैं, सब माता के पेट से आए, सब मुझसे एक आदमी ने प्रश्न पूछा, ये मैंने प्रसंग आता है कई बार बोला है, बोलना पड़ेगा। रामायण का प्रवचन करने वाला कई बार अपनी बातें दोहराता है, मैं कई बार नहीं दोहराता हूँ, कहीं कहीं दोहराता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा कहने वाला आदमी वही चीजें दोहराता है पूरी उम्र, वो कथा है। मुझसे भी एक आदमी ने एक सवाल किया, महाराज इतने बड़े बड़े ऋषि त्यागी पुरुष जो अपने शरीर को भी खत्म करके उपलब्धियां प्राप्त करे किए, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, आप उनका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आप तो एक कबीर को पकड़े। और सही बात है, मैं उनका अपमान तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे प्रवचन का पूरा मंथन करके उसको मथेंगे आप, तो उसमें कबीर निकल आएगा, साहेब निकल आएगा। तो मुझे कहा उसका तो महाराज जिक्र ही नहीं करते। मैं बोला जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनकी निंदा करना बेवकूफी है, ये ऋषियों की संतान है, किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का सांडिल्य है, किसी का गौतम है, किसी का कश्यप है, किसी का व्यास है, ये क्या है, ये उनकी संतलत है। तो हम अपने पूर्वजों का अपमान नहीं कर सकते, उन्होंने तो संसार को कुछ चीज दी, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। हमें जीवन पद्धति भी दी, पर बोला आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, एक कबीर को पकड़े। मैं बोला वजह सुनो, हमारे ऋषिवर, हमारे धर्म संस्थापक, धर्म को स्थापित करने वाले सभी मां के पेट से आए। क्या ईसा मसीह जी, मरियम मां थी, क्या मोहम्मद साहब, क्या महात्मा बुद्ध, क्या दयानंद सरस्वती, क्या अपना महावीर स्वामी, क्या सनातन को स्थापित करने वाले वासुदेव कृष्ण जी, सब मां के गर्भ से है। कबीर साहब नहीं आया, ये कितनी बड़ी बात है, बोलते हैं ये तो किंवदंतियां हैं, कबीर पंथियों ने ये किंवदंतियां स्थापित की है। कबीर तो एक जुलाहा था, वो यूं कहते हैं, आजकल एडिटिंग बड़ी बुरी होती है, मेरे मुख से ही आपको एडिटिंग करके यूं दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं कबीर साहब का। शब्दों को इतनी स्टाइल से वो एडिटिंग करते हैं कि पूछो मत। आप न्यूज चैनलों में देखते हुए एक हैंकर बोल रहे हैं और सामने से बहुत सैलाब पानी का बहता जा रहा है, ये सब एडिटिंग है, तो परिशोधन करते हैं। तो मैंने कहा भाई कबीर साहब एक वो शख्सियत थे, वहां से आए,
वह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंस आया मैं आया सतलोक को। साहब की वाणी प्रमाणित है। छोड़िए ये उदाहरण, हो सकता है लोग कहेंगे कि तो आप तो उसको अपने अपने इष्ट को सब हीरो बनाते हैं। भैया प्रमाणम प्रथम कितम, प्रमाणम सत्य को प्रमाण कैसा देना है, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जो सामने है उसका क्या प्रमाण देना है। माँ बाप माताएं बहनें जब श्रृंगार करती है दर्पण में देखती है, टिकली लगाना है वो भी देखती है सही जगह लगी नहीं, काजल डालना है वो भी देखती है सही जगह लगी नहीं, सिंदूर डालना है वो भी दर्पण में देखती है, लेकिन जब हाथ कंगन को आरसी कैसी, जब कंगन पहनना है तो दर्पण में नहीं देखना, ये हम देख रहे हैं। तो हाथ कंगन को दर्पण कैसा, किंवदंतियां नहीं है। जब कबीर साहब इस दुनिया से गए, दुनिया को एक चीज दिखा के गए, आई एम नॉट बॉडी। आज भी मगर में जाकर देखे प्रमाण है, लेकिन लोगों ने उसको भी लुप्त करने की कोशिश की, इसमें उनके स्वार्थ और हित है। जब साहब ने ऐसी उपासना पद्धतियों को खंडित किया तो उन्होंने सोचा भैया इस रास्ते पर चलने से हमारा व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, सज्जन से मैंने कहा, भाई देखिए मैं इसलिए उनको पकड़ा हूँ सही में, अभिगत से चलाया कोई भेद भरम ना पाया, ना हम रैले गर्भवास में बालक हुए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर पर तहां जुलाहा पाया, ना हमरे मात पिता ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर ध्यान धराया, हो गई जग में हंसी। तो साहब आगे क्या कह रहे, बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, इससे आप अंदाज लगाना, आदि भक्ति शिव योगी के लिए, शिवजी से बड़ा कोई महान योगेश्वर नहीं है, छह योगेश्वर का आदि शिवजी है और पर्याय गोरखनाथ जी है। तो कह रहे हैं आगे, भक्त भय व्यवहारी करी भक्त पर युक्त नवाधारी, आदि भक्ति शिव योगी के लिए चार युग की समाधि। यहां तो आदमी चार मिनट नहीं बैठ पाता है। राखी गुप्त न जग में फेरी, योग करे और भक्त कमाए अधर एक नाम धुन लाए, सो अक्षर है ररंकारा तासे उपचार सकल पसारा। उस ररंकार निराकार से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ये मैंने ब्लैक होल के माध्यम से भी एग्जाम्पल दिया, वैज्ञानिक लोग कहां पहुंच रहे हैं और वाणियों में भी आ रहा है। रहे अधर ब्रह्मांड के माही, अधर शून्य में शिव जानत कोई जानत नहीं, सिर्फ शिव जी जानता। रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं, तासे मेरी भक्ति न्यारी, वा को क्या समझे संसारी। अब साहब ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, सनक सनंदन सनंत कुमारा सनकाधिक ये चार अवतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद में किसकी गिनती आती है पता है? एक टाइम था, मैं अपने टाइम पर गूंगी फिल्में देखा था, बाद में वो आई, और ये इस्टमेन कलर तो फिल्में बहुत बाद में आई, पहले ब्लैक एंड वाइट थी। तो अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, उस समय जो हीरो थे पता है क्या गिनते थे, कैसे? दिलीप कुमार, पहले गिनते राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, गिनती यूं थी, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार आदि ऐसे। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद किनको गिनते हैं, सनक सनंदन सनकादि और संत कुमार, ये चार उनका नंबर आता है। तो साहब क्या बोल रहे हैं पता है, सनक सनंदन संत कुमारा सनकादि के चार अवतारा, पांच वर्ष काया नित रही ब्रह्म लीन कोई पार न रही, केते ब्रह्म होए गये हूं संकादिक से निर्णय भय हूं। अब साहब कह रहे हैं मेरी उनसे गोष्ठी हुई और हर जगह वाणियों में वो आ रहा है, युगन युगन में यहां चलाया कोई कोई जीव हमारा। छोड़िए बाकी दुनिया तो कबीर साहब की निंदा ही करती है, कबीर पंथ के भी 12 मत है, अलग अलग विचारधाराएं उन्होंने कबीर साहब के नाम पर भी स्थापित की है। कोई उनको सर्वगुणवादी बताता है, कोई ये बताता है कि कबीर ने ईश्वर को स्वीकार ही नहीं किया।
यहां साहब कह रहे सनक सनंदन सनंद कुमारा संकादि के चार अवतारा, पांच वर्ष काया नित रही ब्रह्म लीन हो गई, पर ध्यान जो करे निरंजन माही निरंजन से कोई निरंजन, वो भी उसी निराकार तक पहुंचे। मेरी भक्ति युक्ति जाना ताका आवागमन बिठाना। हमारे देश में दो वस्त्र पहनते हैं सन्यासी लोग, यानी साधु लोग, एक भगवा एक श्वेत वस्त्र। भगवा वस्त्र उनको पहनना है, उनको लागू है जो संसार छोड़ चुके हैं, जो विषय विकार नहीं कर रहे। आज आप देखें गृहस्थ आश्रम में बैठकर कोई राज ऋषि बना बैठा है, कोई ऋषि बना बैठा है, कोई योग ऋषि बना बैठा है। एक्चुअल सेना की वर्दी पहनने का उसको अधिकार है जो एक लीगल तरीके से सेना में आया। एक कलयुग है, इसमें सब कुछ चलता है। कुछ संन्यास में रह करके मुझे आश्चर्य लगता है, बाल तो रखे हैं, दाढ़ी मुझ साफ है। आप कहेंगे भयंकर आप तो आलोचक है, नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने को, जैसे को तैसे कहे वो भी निंदा न हो। भाई अगर तुम सन्यासी हो तो बाल भी कटाओ ना, दाढ़ी मुझ साफ कराओ पूरी। तुमने मुखड़ा चमकाने के लिए दाढ़ी मुझ साफ किए, बाल रखे हुए, क्योंकि नारी का सौंदर्य उसके बाल, औरत बाल से इतना प्यार करती है कि पूछो मत। तो वो लोग कहीं अपने को सौंदर्य में दिखाने के लिए तो ये क्रिया कर रहे हैं। अगर सन्यासी हटा फिर बाल बुल, नहीं तो सिंपल रह। एक आदमी शर्ट पहन ले पुलिस की और पैंट पहन ले फौज की और टोपी लगाए बीएसएफ की, वो कहीं से भी नहीं है फिर, ठीक है। ये कलयुग है, साहब ने बड़ा व्यंग किया। तो कह रहे हैं ऐसे भूल पड़ा संसारा कैसे उतरे भाव बहुत चल पा रहा, सत्य भक्ति को नहीं लगा ऐसे सब जीव अभागा, सत्य नाम की खबर न पाई का कर भक्त करो रे भाई, ठोर ठिकाना जानत नहीं झूठे मग्न रहे मनमाही। इस तरह लोग भटके, साहब ने आकर समाज को दिशा दी। अच्छा हुआ शास्त्राकारों ने ये तो स्वीकार किया, पर उसको भी लोप कर दिया कि मगर में कबीर साहब ने काशी तर मगर को आए दोनों दिन के पीर, जपो रे हंसा केवल नाम कबीर। आज उसको एक किंवदंती बना रखा है, जबकि काशी में मगर में साहब ने जब शरीर छोड़ा अस्थि मांस लोथड़ा आदि चर्म नहीं मिला, फूल मिले। मुसलमानों ने फूल लेकर के मजार बनाई, हिंदुओं ने फूल लेकर के समाधि बनाई। हिंदू धर्म में संतों को जलाया नहीं जाता है, समाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं हड्डियां 10,000 साल तक रहती है, हड्डी की आयु बहुत लंबी है। 10,000 साल तो लोहा भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारी बोन्स में कैल्शियम आयरन आदि बाकी तत्व है, इसलिए हड्डी की बहुत लंबी आयु है। तो उसको इसलिए समाधि देते हैं, समाधि बिठाकर ध्यान अवस्था में, और मजार लिटाकर होती है, तो ताकि इनकी अस्थियों से भी एक ऊर्जा निकलती रहे, रेज निकले, उसका लाभ समाज ले सके। इसलिए हिंदुओं ने वो उठा, राजा वीर सिंह बघेल ने फूल उठा करके समाधि बनाई, ठीक उसके 50-60 फीट पर ही, 15-20 मीटर पर ही मजार भी है। ये कोई मखोल है क्या? तभी भी नहीं मानते, बस वही बात है। अजी एक आदमी ने डंडोरा पिटवाया, जो मुझे काशी, जो मुझे गीता के 18वें अध्याय का को समझा देगा अच्छी तरह से, उसको मैं गाय दान में दूंगा। निकम्मा आदमी था, कुछ करता ही नहीं था, पत्नी के पास एक दिल्ली की बात, एक गाय थी सिर्फ, उसी दूध देती थी, दुधारी गाय थी, उसी से वो परिवार का पोषण करती थी, निकम्मे पति को भी खिलाती थी। जब उसको पता चला कि मेरे पति ने ऐलान किया है जो 18वां अध्याय मुझे समझा देगा उसको मैं गाय दान में दे दूंगा, पत्नी ने कहा निर्वसीय कुछ करते ही नहीं हो, इसी
गऊ से तो मैं बच्चे पाल रही हूँ, तुम्हें खिला रही हूँ, सब चीज़ हो रही है, ये भी कोई ले जाएगा, हम क्या करेंगे? बोला कोई नहीं समझा सकेगा अठारवाध्याय। बोला अरे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े अध्ययन और संस्कृतज्ञ हैं, कोई ना कोई समझा। बोला पगली तू चुप रहे, मैं कहूँगा समझा ही नहीं। वह अगर ऐसा है तो फिर बात अलग है। यहाँ साहब क्या करें, समझे की मत एक है, जय समझाते हैं ठोर, कहे कभी बीच की बलक और की ओर। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा।